बॉलीवुड में सबसे बड़ी पंगेबाज एक्ट्रेस की बात करें तो आपके दिमाग में सिर्फ एक नाम आता है, हमारी क्वीन कंगना रनौत का। और बात करें बॉलीवुड में सबसे टैलेंटेड एक्टर की तो यार राजकुमार राव का नाम उस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। अब कमाल की बात यह है कि पंगा और टैलेंट जब एक साथ फिल्म में आते हैं तो फिल्म में धमाल के साथ साथ बवाल होना भी पक्का है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीक्षा, वेलकम टू ट्रेलर रिव्यू ऑफ जजमेंटल है क्या। फिल्म एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर होने वाली है जिसमें आपका अच्छा खासा दिमाग खर्च होने वाला है। अच्छा लगता है जब बॉलीवुड में कुछ हटकर फिल्में बनती हैं जिनमें एंटरटेन के साथ साथ आपको कुछ कमाल का सस्पेंस भी देखने को मिलता है। जैसे अंधाधुनी ले लो, फिल्म की स्टोरी ही इसकी असली हीरो थी। कुछ ऐसा ही हाल होने वाला है इस फिल्म का, जिसको बड़े बड़े एक्टर्स की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फिल्म का नाम ही काफी है आपको थिएटर्स तक ले जाने के लिए। फिल्म की कहानी एक मर्डर मिस्ट्री है, किसी का कत्ल हुआ है तो जाहिर सी बात है कि कातिल तो होगा ही, लेकिन इस फिल्म में कातिल का पता लगाना यानी आसमान से तारे तोड़ लाना, ये काम कठिन इसलिए है क्योंकि फिल्म में जिन दो लोगों के ऊपर शक है वो बड़े ही अतरंगी और बेढंगी टाइप के हैं। पहली है बॉबी नाम की एक एक्टर जो थोड़ी सनकी और एबनॉर्मल है, ये दुनिया से थोड़ा अलग चलती है। छोटी छोटी बात पर मारपीट करना हो या लोगों को मजाक मजाक में डराना या धमकाना, ये इनके लिए नॉर्मल सी बात है। बॉबी के जैसे कैरेक्टर को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इसीलिए लोग इनको क्रेजी यानी पागल समझते हैं। दूसरा कैरेक्टर है केशव नाम का, जो नॉर्मल तो है लेकिन कुछ ज्यादा ही नॉर्मल है। वो होते हैं ना कुछ लोग जो शराफत का मुखौटा पहन के रखते हैं, ये इंसान उसी कैटेगरी में आता है। अक्सर ऐसे लोग सीधे कम और टेढ़े ज्यादा निकलते हैं। इनको महारत हासिल है दुनिया को चूना लगाने में और अपना काम निकालने में। फिल्म की कहानी में बवाल तब शुरू होता है जब बॉबी को केशव के ऊपर तगड़ा वाला शक हो जाता है। शक इस बात का कि केशव ने किसी की जान ली है। अब इस बात को दुनिया के सामने लाने के लिए बॉबी पूरे हाथ पैर मारते हुए आपको फिल्म में नजर आने वाली है। लेकिन केशव भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, उसने भी बचपन में घर घर और डॉक्टर डॉक्टर वाले गेम्स खूब खेले हैं। वो इतनी आसानी से पकड़ में आने वालों में से तो बिल्कुल नहीं है। अब केशव का सच कितना भयंकर है वो तो हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। फिल्म में पुलिस वालों का भी मजाकिया अंदाज दिखाया गया है, जो एक मर्डर केस को पूरी मेहनत की सॉल्व करने में लगे हुए हैं। अरे भाई, पेट पूजा करने में और चटपटी नमकीन खाने में मेहनत तो लगती है, बाकी पुलिस वाले भी इंसान है यार। तुम लोग क्या चाहते हो कि वो ईमानदार बन जाए? अब घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो बेचारा जिंदा कैसे रहेगा? ट्रेलर की सबसे जबरदस्त बात है इसमें डाले गए पुराने सुपरहिट सॉन्ग, जिनको सुनकर ही दिल में अजीब सा डर फील होने लगता है। जैसे दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, अब इस गाने को सुनकर आप चाहो या ना चाहो आप खुद को ही शक की निगाहों से देखने लगते हो। बाकी ट्रेलर में दोनों लीड कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम और लुक्स पे काफी मेहनत की गई है, उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होने वाला है। इन लुक्स की वजह से ही फिल्म में एक अजीब सा माहौल बन जाता है, जो आपको डराता भी है और आपके दिमाग के साथ खेल भी जाता है। लेकिन फिल्म को सबसे ज्यादा स्पेशल बनाते हैं कंगना रनौत और राजकुमार राव, जो कमाल की एक्टिंग कर रहे हैं। दोनों को आप पहले क्वीन में एक साथ देख चुके हो, जिसमें दोनों ने लोगों को प्यार करना सिखाया था, लेकिन इस बार दोनों अड़े हुए हैं आपको अंदर से हिलाने में और आपके दिमाग के साथ पूरी तरह खेलने में। फिल्म का एक्स फैक्टर होने वाली है इसकी अटपटी सी स्टोरी लाइन, जो देखने में काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वैसे भी हम इंडियंस के खून में चोर पुलिस वाला गेम तो बचपन से ही डाल दिया जाता है। हमें आदत है घर पे बैठे बैठे बड़े बड़े केसेस को चुटकियों में सुलझाने की। जैसे टीवी पे जब सनसनी वाला शो आता है तो 90% लोग पहले से ही मन बना लेते हैं कि लास्ट में कातिल कौन निकलने वाला है। धन्य है आप लोग। अब यार मुझे नहीं पता कि बॉलीवुड वालों को अच्छे एक्टर से क्या दिक्कत है। मतलब जो टैलेंटेड एक्टर होता है उसको घर बिठा दिया जाता है, और जो अपने दादा पापा का सरनेम लेकर नींद में एक्टिंग करने आते हैं उनको बॉलीवुड वाले अपने सर के ऊपर बिठा लेते हैं। यार मैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो एक्टर्स अच्छे हैं उनकी फिल्मों को दिल खोलकर सपोर्ट करिए, वरना बॉलीवुड वाले आपके सामने एक से बढ़कर एक नेपोटिज्म का सामान पेश करते रहेंगे, और एक दिन हार मानकर आप इनकी घटिया फिल्मों के टिकट्स बुक कर ही लेंगे। तो यार अब इंतजार रहेगा 26 जुलाई का, जब ये फिल्म थिएटर में रिलीज होने वाली है। मैं तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाली हूँ और कातिल कौन है इस बात का पता लगाने वाली हूँ। अगर आपको भी ट्रेलर पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि फिल्म में डेढ़ छाना कौन है, क्रेजी कंगना या फिर वेरी वेरी नॉर्मल राजकुमार। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।